जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता से फिजूल बह रहा पानी, जल संकट को निमंत्रण दे रही लापरवाही। बिस्टान, मानसून की मेहरबानी से इस वर्ष क्षेत्र में पर्याप्त औसत से अधिक बारिश हुई। इंद्रावती नदी में भरपूर पानी था, लेकिन इस पानी को सहेजने में यहां की परिषद कोई तत्परता नहीं दिखा रही है। समय पर इंद्रावती नदी पर बने स्टाप डैम काजवेसर हफ्ते पर गेट नहीं लग पाए, जिससे नदी का पानी दिन पर दिन व्यर्थ बहकर कम होता जा रहा है। जिम्मेदार प्रशासन के नुमाइंदों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, जबकि इस वर्ष गर्मी के दिनों में परिषद की जनता पेयजल के संकट को झेल चुकी है। यहाँ का बाशिंदा पानी के मूल्य को अच्छी तरह समझता है। परिषद ने टैंकरों के माध्यम से लाखों रुपए का पानी टेंडर के माध्यम से कुएं में डलवाकर परिषद में पेयजल उपलब्ध कराया था। जो खर्चे विकास कार्यों के लिए थे वो पानी पर खर्च कर दिए गए। सूत्रों के अनुसार यहाँ के कर्मी ने अपने रिश्तेदारों को पानी का ठेका देकर गाड़ी कमाई की। अगले साल भी यही खर्च होना है। कहीं अपने सगों को लाभ पहुँचाने के लिए गेट तो नहीं लगाए जा रहे हैं और न ही रपटे को रिपेयर कर गड्ढे भरवाए जा रहे हैं। तरह तरह के सवाल जनता के मन में उठ रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी आवाज उठा रहे हैं। भाजपा मंडल के मीडिया प्रभारी राजेश मालवीय ने बताया, रपटे पर गेट अब तक नहीं लगने से पानी का जलस्तर लेवल नहीं बढ़ेगा, गर्मी में पानी की भारी किल्लत रहेगी। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी समस्याओं को शीघ्र से शीघ्र हल करे, अन्यथा आंदोलन के लिए बाध्य रहे। बिस्टान से वीरेंद्र गोले की रिपोर्ट, CID न्यूज, मध्य प्रदेश। इंद्रावती नदी में इन दिनों कम पानी दिख रहा, वजह क्या है? वजह है कि हर साल से इस साल बेहतर स्थिति थी पानी की, लेकिन हमेशा स्टाफ डैम के समय पर गेट नहीं लगने की वजह से जो वाटर लेवल बिस्टान की नदी के अंदर रहना चाहिए वो नहीं रह पा रहा है, क्योंकि समय पर नगर परिषद की उदासीनता की वजह से गेट नहीं लग पा रहा है और गेट की रिपेयर वगैरह जो हो नहीं पा रही है। जब स्टाफ डैम के गेट लगने के बाद में बिस्टान की वाटर लेवल की स्थिति बहुत बढ़िया होगी और किसानों को भी इससे बहुत लाभ होगा। पिछले साल भी गेट लगे थे, लेकिन गेट में से पानी दिस रहा है, क्या कारण रहा जी? बिल्कुल, दो से तीन गेटों के रिपेयरिंग के वजह से इंजन खराब है, उसका रिपेयर करना बहुत अनिवार्य है। फंड की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है परिषद की, जिसकी वजह से यह काम समय पर नहीं हो पा रहा है। और दो से तीन स्टाफ गेम लगे हुए हैं विस्तान गाँव से, लेकिन उनके गेट आज भी नहीं लगे हैं और धीरे धीरे पूरा पानी बह के निकल रहा है। आगे जल समस्या का विकराल रूप हमको देखने को मिलेगा। परिषद से क्या मांग रहेगी आपकी? परिषद से यही मांग रहेगी कि जल्द से जल्द गेट रिपेयर करके लगाया जाए, जिससे बिस्टान के जल समस्या की निजात मिल सके। क्या लिखते हो? मंडल मीडिया प्रभारी भाजपा राजेश मालवी।